सीएजी रिपोर्ट में रेवेन्यू सरप्लस बजट की बात से आम आदमी पार्टी खासी उत्साहित नजर आ रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि रिपोर्ट में दिखाई गई कमियों पर सरकार काम करेगी और सभी कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे। अक्सर ऐसा होता है कि सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है उसे सीधे अरविंद केजरीवाल ने इंडोर्स किया है और ये कहा है कि ये ईमानदारी का प्रतीक है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। सौरभ जी, 2015 से सरप्लस बजट दिल्ली सरकार दे रही है, कैसे मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि घर का बजट तो हर एक आदमी का गड़बड़ाया हुआ आजकल। देखिए, एक समय था जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी, सरकारों को कटघरे में रखा जाता था, अपोजिशन शोर मचाती थी, सरकारें गिर जाती थी, ये समय हमने देखा है। आज हमारी केंद्र में सरकार नहीं, सीएजी के ऊपर हमारा कोई दखल नहीं है। उसके बावजूद अगर सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि दिल्ली का बजट सरप्लस है, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पूरे विश्व में दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बसों की सेवा मिल रही है, वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, अस्पताल बने हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने हैं जिसके अंदर टेस्ट और दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, बुजुर्गों को एयर कंडीशन ट्रेन से तीर्थयात्रा पर मुफ्त भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी दिल्ली का खजाना सरप्लस में है, दिल्ली वालों के खजाने में बरकत है भगवान के द्वारा, ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद है। और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जो लोग अरविंद केजरीवाल को मुफ्त खोरी बढ़ाने वाली सरकार कहा करते थे। साथ ही सीएजी ने गुजरात की सरकार को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि आप डेब्ट क्राइसिस के अंदर जाने वाले हैं, दिवाली यानी कि आप कर्ज की एक चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं, आपके ऊपर इतना कर्ज होता जा रहा है। गुजरात सरकार को कहा गया कि आपके खर्चे कम कर, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अगर दिल्ली वालों के महीने के 15,000 रुपये बच रहे हैं बिजली में, पानी में, स्कूल में, अस्पताल में, तो वो पैसा उनकी जेब में आ रहा है, वो पैसा वो दिल्ली में खर्च करता है, उससे दिल्ली का व्यापार, दिल्ली की बाकी सेवाएं, उसमें पैसा लगता है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है और दिल्ली की जो इकोनॉमिक साइकिल है वो बेहतर हो रही है, मजबूत हो रही है। और देश के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय के अंदर दिल्ली जो है सबसे ऊपर के राज्यों के अंदर है, ये सबका नतीजा है। और मैं दिल्ली वालों को इस चीज के लिए बधाई देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।